पूजन की तैयारी पूरी कर ली है, अब हम विनय पाठ से पूजन शुरू करेंगे, तब हम विनय पाठ शुरू करेंगे। विधि ठाड़ो होइ के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म ज्वार, अलंत चतुष्ट के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंद तीन भुवन के राज, त्यू जग की पीड़ा हरण भवदति शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के कर्ता, हरता अगलियार के करता धर्म प्रकाश, तीर्ता पद दातार हो धरता निज गुणराज, धर्मामृत उर जल दिशो ज्ञान पान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नाम दियो जग भूप, मैं बंदो जिन देव को करति निर्मल भाव, कर्म बंद के चेतने और न कछु पाओ, भविजन को भव कूपते तुम ही कारण हार, दीन दयाल नाथ पति आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज में, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गे, तुम पद पंकज पूजते दीन रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था, चक्री खग दर इंद्र पर मिले आपते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन, पतित बहुत पावन किए विनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन दे, थकी नाम भव दधि विषे तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे, राग सहित जग मेर लो मिले सरागी देव, बीत राग मेट्यो अबे मेट्यो राग कुटे, कितनी गोद कितना रखी किज तेरे अंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरदान, तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लग्यो तुमसे, अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार, इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान, तुमरी नेक सुदृष्टि से जग उतरत है पार, हाँ हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निहार, जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उरचार, मेरी तो सो बनी आते करो पुकार, बंदो पांचो परम गुरु सुर गुरु वंदत जास, विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश, चौबीसो जिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय, मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान, मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत देव, मंगल कारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयमेव, मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु वचार, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचकार, मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वरदान, मंगल मय मंगल करो हरो असाता कर, या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल ना तो राम सागर दड़पो। दिव्य पुष्पांजलि ये सब विनय पाठ पढ़ने के बाद में हमें पुष्पांजलि छिपल करना, और इसके साथ ही नौ बार नमोकार मंत्र के साथ काय उत्सर्ग करेंगे।
नौ बार नमकार मंत्र पढ़ने के बाद में अब जिनवाणी में जिस तरह से लिखा रहता है पूजा पीठी का, यानी कि अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो भगवान के पूजन जब शुरू करेंगे तो ये जो पूजा पीठी का है इसमें जो पंच परमेश्वरी है उनको नमस्कार किया गया है। तो सबसे पहले हम पूजा पीठी का पढ़ेंगे। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिराणं नमो वचायणं नमो लोये सर्वसामनं ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपे। यहाँ पर हम पंच परमेश्वरियों के लिए पुष्पांजलि क्षेपण कर रहे हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवलीपणत्तोदम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सीता लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपणत्तोदम लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवचामि अरिहंते शरणं पवचामि सीते शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपणत्तोदमं शरणं पवचामि। ओम नमो अरहते स्वाहा पुष्पांजलि। जो हमने पुष्प बनाए हैं उन्हें हम पुष्पांजलि के रूप में यहाँ पर क्षेपण करेंगे। अब हम ये मंगल विधान जो है ये पढ़ेंगे। इसमें ये बताया गया है कि हम पवित्र और अपवित्र किसी भी अवस्था में हो भगवान का नाम हमेशा ले सकते हैं और हमें भगवान की गुणगान कर सकते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्याये पंच नमस्कारं सर्व पापे प्रमुच्यते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्यभ्यन्तरे शुचि अपराजित मन्त्रो अयं सर्वविघ्नविनाशनं मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मत एसो पंच नमो यारो सव पाव पणाशनो मंगलाडं च सव्येसिं परमम हवै मंगलम अरहमित्य अक्षरम वाचकं परमेष्टिना सिद्ध चक्र सद्बीजं सर्वत प्रणमाम्यहं कर्माष्टकं विनिर्मुक्तं मोक्ष लक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्कादिगुणोपेतं सीतचक्रं नमाम्यहं विघ्नोहा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरी। पुष्पांजलि और इसके बाद में हम अर्घ चढ़ाएंगे। जैसे भगवान के पंच कल्याणक होते हैं पंच परमेष्ठी के पंच कल्याणक की अर्घ चढ़ाएंगे फिर पंच परमेष्ठी के अर्घ चढ़ाएंगे और फिर जिनवाणी का अर्घ चढ़ाएंगे। इस तरह से हम अर्घ चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पंच कल्याणक चढ़ाएंगे उदक चंदन और सबसे पहले मैं एक बात और बताना भूल गई थी कि जब हम ये अर्घ तैयार करेंगे तो जैसे हमने ये वस्त्र द्रव्य बनाई है तो जो अर्घ बनाई है इसमें हम थोड़े से पुष्प थोड़े से नैवेद्य थोड़े से दीप थोड़ी सी धूप और थोड़े से ये पुष्प फल ये सभी पूरा अष्ट द्रव्य हमने मिश्रण कर लिया है तो ये हमारा अर्घ बन गया है। ये पूरे अष्ट द्रव्य है और ये अर्घ बन गया है। इसमें हम थोड़ा सा जल और चंदन भी डाल देंगे तो ये पूरा हमारा अष्ट द्रव्य ये अर्घ तैयार हो गया है। इस तरह से तो जब हम ये अभी अर्घ पढ़ेंगे तो ये अर्घ हम इसमें चढ़ाएंगे। उदक चंदन तांडुल पुष्प के चरुष दीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल दानर वाकुले जिन ग्रहे कल्याण मंगजे। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के व्यू अर्घम निरपामिति स्वाहा। उदक चंदन तांडुल पुष्प के चरुष दीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल दानर वाकुले जिन ग्रहे परमेष्ठी महं विजे। ओम अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय शाद्व पंच परमेष्ठ्यो अर्घम निरपामिते स्वाहा। उदक चंदन तांडुल पुष्प के चरुष दीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। ओम ऋषि भगवत जी नष्टोत्तर सहस्र नामे वो अर्घम निरुपामिति स्वाहा। उदक चंदन तांडुल पुष्प के चरुष दीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्यजे। ओम ऋषि जी जिनको दो सरस्वती देवे जिन राणी व्यो अनर्पण प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति तत्वा शुद्ध साध्याय भक्तवान प्रकारिसका अनर्पण प्राप्ताय अर्घम पामति स्वाहा। इस तरह से हमने ये
अर्घ्य चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पर पूजा प्रतिज्ञा जो कि हम पूजन चालू कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रतिज्ञा पाठ पढ़ेंगे। श्रीमान जिनेन्द्रम अभिवंद जगत त्रयेशम स्वदाद नायक मनंत चतुष्यार श्रीमूल सांग सुद शाम सुकृत एक हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यधाय। इसके बाद जो हम स्वस्ति त्रिलोक पढ़ेंगे तो जहाँ पर भी स्वस्ति शब्द आएगा तो उसमें हम यहाँ पर थोड़े से पुष्प का क्षेपण करेंगे। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दंगयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति छल विमल बोध सुदाप्लवाय स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक वित तेग चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल शकलाय तविस्त्रताय द्रव्य शुद्धि मदिकामय कांदुकाम आला शुद्धि मदिगामदिगंतु काम आलंबनानि विविधान्यवलंब्य वल्य भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् जलद्विमल केवल बोधमन्न पुण्यम समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ओम विद्य विज्ञ विधि प्रतिज्ञा जी प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपावे। इस तरह से हमने ये पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ी है। अब हम स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ेंगे। इसमें हम 24 तीर्थंकर भगवान से मंगल की कामना करेंगे और इसमें 24 भगवान के उसमें हमें सभी में ये पुष्प का क्षेपण करते जाना। जहां जहां भी स्वस्ति शब्द आएगा हमें पुष्प का क्षेपण करना है दोनों हाथों से यूं खुले हाथों से। श्री वसुन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अरविंद श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभु श्री सुपाश स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुष्पदन स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रियान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरहन श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री निर्मिना श्री पाश स्वस्ति श्री वर्धमान परिपुष्पांजलि क्षिपावे। इस तरह से जब हमने 24 तीर्थंकर भगवान से मंगल की कामना की पंच परमेश्वरी से की अब हम जितने भी रिद्धिधारी हमारे मुनि हैं कितनी रिद्धियां होती है 64 रिद्धियां होती है तो 64 रिद्धियों की जो रिद्धिधारी मुनि है उनसे भी हम मंगल की कामना करेंगे। तो ये परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ अब हम पढ़ेंगे नित्या और इसके हर दोहे के बाद में हमें ये पुष्प का क्षेपण करना है। नित्या प्रकम्पाद्भुत केवलोधा स्मरण मन पर्य शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन कोटसधान्योमेक बीजं संविन संशोक पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलं दधाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन संस्पर्शनम संश्रवणम च दूर प्रसादनम ग्रहण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहंत स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन प्रज्ञा प्रधाना शमण समृद्ध प्रत्येक भूतात सर्व पूर्वे प्रवाति नोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन जंगावल श्रेणी फलांबुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणान्वा नमो गणस्वेर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनो वपुर्वार्वनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन सकामरूपित्वशित्वमेषं प्रकाम्यमन्तर्धिमताप्तिमाता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोर गुणश्चरंस्त स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन
आमर्ष सर्वोसदयस्तथाशि विषां विषादृष्टि विषं विषाश्च सकिल विरजलफलौषधीशा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन क्षीरं स्रवन्तो दघ्रतं निस्रवन्तो मधु स्रवन्तो अप्यमृतं स्रवन्तो अक्षीण संवास महान शाश्च स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोन इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलि क्षिपामि। तो अभी आपने पूजा करना से बताया है, तो अब इसमें कौन से द्रव्य को किस ढंग से चढ़ाना, तो अब आप ये हमको पूजा हाँ, में ये अब आप अपन अभी अपन ने ये पूरी विनय पाठ और ये स्वस्ति मंगल पाठ पूरा किया है। अब हम नौ बार नौमकार मंत्र के साथ कायस्थ करेंगे और उसके बाद में अब एक प्रश्न हम सभी के मन में ये भी उठता है कि हमें कौन सी पूजन करना चाहिए। हाँ। तो अधिकांश है तो क्या होता है कि जब हम नित्य पूजन रोज करते हैं हाँ। तो उसमें हम देवशास्त्र गुरु की एक पूजन कर लेते हैं जिसमें कि सभी समाहित हो गए हैं, देव भी आ गए, शास्त्र भी आ गए और गुरु भी आ गए। और कभी कभी विशेष दिनों में जैसे किसी भगवान का कल्याणक है तो उनकी पूजा भी की जा सकती है, या जो हमारे मंदिर के भगवान के मूल लायक है उनकी पूजा भी हमें करना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा लॉजिक हम समझ सकते हैं कि जैसे एक परिवार है, परिवार का जो मुखिया है जैसे दादाजी हैं, पिताजी हैं, तो सबसे पहले मान सम्मान किसे देंगे, दादाजी को। तो दादाजी को मान सम्मान देंगे, उसके बाद पिताजी को। तो जो हमारे मूल लायक है वो उस मंदिर के मुखिया हैं, तो हमें उनकी पूजा निश्चित रूप से करना ही चाहिए। और अगर हमारे पास समय की कमी है तो हम एक देवशास्त्र गुरु की पूजा करके और जितने भी भगवान हमारे मंदिर जी में सभी के एक एक अर्घ चढ़ा करके हम पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद एक सबसे छोटी विधि और होती है कि जैसे पुरुष वर्ग है, दुकान वाले हैं या उन्हें सर्विस पर जाना है, उनके पास समय नहीं है, पूजन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें कि जो द्रव्य हम घर से लाते हैं उस द्रव्य को डिब्बी में ही वो कुएं के पानी से धोकर अपने जो डिब्बी में वो लेकर आए उसी में रख लें और जितने भी भगवान हमारे मंदिर जी में उन सभी के नाम का एक एक अर्घ चढ़ा दें, तो वो भी एक उनकी छोटी सी पूजन रोज हो जाती है। वैसे तो पूजन दो तरह से करते हैं, एक तो ये जो हम कर रहे हैं द्रव्य पूजा और एक जो भाव पूजा होती है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाव पूजा हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि भाई द्रव्य पूजा ही क्यों जरूरी है। तो जब हमें भगवान ने इतना धन संपत्ति वैभव इतना अच्छा कुल दिया है और हमें इतने अच्छे संस्कार मिले हैं तो हमें उत्तम से उत्तम द्रव्य से पूजा करनी ही चाहिए। और जो भाव पूजा की जाती है वो मुनियों के भी होती है, क्योंकि मुनि तो सब त्याग चुके हैं तो वो भाव पूजा करते हैं। तो भाव पूजा हमें जब बहुत ज्यादा कुछ ऐसी अवस्था हो कि जैसे हम सफर कर रहे हैं या हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है या सूतक है कुछ, उस समय हम भाव पूजा कर सकते हैं। लेकिन नित्य तो हमें द्रव्य पूजन ही करना चाहिए। तब हम नौ बार नमोकार मंत्र के साथ कायस्थ करेंगे, उसके बाद आज हम बच्चों को देवशास्त्र गुरु की जो समूचे पूजन होती है वो हम करके दिखाएंगे। समुच्चय पूजन जो है इसमें देव शास्त्र गुरु तीनों ही समाहित हो गए हैं, तो हम इनकी अब पूजन चालू करेंगे। तो जब हम पूजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये ठोना है, ये हमारे हमने ये किस लिए रखा है, इसमें हम स्थापना करेंगे। अब हम ये कहते हैं कि जब भगवान हमारे सामने है फिर हम इसमें स्थापना क्यों करते हैं हाँ। लेकिन इसका एक कारण ये है कि भगवान तो हमारे सामने प्रत्यक्ष में है, लेकिन जब हम पूजन करते हैं हम चाहते हैं कि भगवान बिल्कुल हमारे पास में हो, हमारे सन्निकट हो। हम कहते हैं ना सन्निकट हो मेरे भगवान, तो हम उसके लिए यहाँ पर हमने जो ओम का ये यहाँ पर बनाया है कि इसमें पंच परमेश्वरी समाहित है, हमने ओम बनाया है इसमें। और इसी में हम हमारे जो ये लौंग है तो इन लौंग से हम इन लौंग में से हम ऐसे साबुत लौंग छाट लेंगे। तो हम कोई व्यक्ति ऐसे तीन लौंग से भी स्थापना करता है कि तीन से भी करते हैं, नौ से भी करते हैं, दोनों ही विधियां ठीक है जिससे भी हम करना चाहें, है ना। तो हम जब इसके पहले इसकी दो लाइनें पढ़ेंगे और जब स्थापना करेंगे तब इससे यहाँ पर और हम स्थापना की विधि भी बताएंगे किस तरफ से हमें स्थापना करना है। तो सबसे पहले हम पूजन चालू करेंगे। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय, सभी आचार्य संघ की जय, तीन कम नौ करोड़ मुनि राज्यों की भक्ति। बहुत ही भक्ति भाव के साथ में हमें पूजन करना चाहिए। जब हम रोजाना में करते हैं तब तो हम साधारण तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब हम चार छह लोग साथ में कर रहे हैं या कोई विशेष पर्व की पूजन कर रहे हैं तो हमें बहुत ही भक्ति भाव के साथ में, भजन के साथ में और हमारे जो वाद्य यंत्र हैं उनके साथ में हमें पूजन करना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि हाँ हम भक्ति की बहुत ही अच्छे से भक्ति हम भगवान की कर रहे हैं। ताली बजाते हुए बहुत ही भाव विभोर होकर हम कर सकते हैं। तो आज हम देवशास्त्र गुरु की समुच्चय पूजन करेंगे।
देव शास्त्र गुरु नमन करी बीस तीर्थंकर ध्याय सीत शुद्ध राजत सदा नमो चित उलसाय। और ये दो लाइनें पढ़ने के बाद में अब हम स्थापना करेंगे। एक बात और है कि जब हम पूजन करते हैं तो पूजन का सबसे पहला नियम तो ये है कि हमें खड़े होकर पूजन करना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है कि हम खड़े रहकर पूजन कर पाए। तो हम जब बैठे भी हैं तो जब हम स्थापना करेंगे उस समय हमें खड़े हो जाना है, क्योंकि जब हमारे यहाँ किसी अतिथि को हम बुला रहे हैं तो हम उसे मान सम्मान के साथ में बुलाएंगे, तब हम खड़े होकर के ये स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे इसमें ओम नमः देव शास्त्र गुरु समो अत्र अवतर अवतर समोश्रम आह्वानरम। आह्वानरम में हम दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और जो भी तीन या एक लोम हमने लिए उसे हम तीन बार ऐसे मस्तक पर लगा करके यहाँ पर खोने में चढ़ा देंगे। फिर ओम ऋषि देव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहर ठहर स्थापना। हम ठहरने के लिए बोल रहे हैं इसीलिए हम दोनों हाथों से इसे ठहरने का बोलते हुए इसे तीन बार मस्तक से लगाकर नींद रख देंगे। ओम ऋषि देव शास्त्र गुरु समूह अत्र मम सन्नीतो यानी मेरे हृदय के समीप आपकर अत्र मम सन्नीतो भव वसरट सन्निधि करणम। इस तरह से हम यहाँ पर स्थापना कर देंगे और उसके बाद में पुष्प का पुष्पांजलि और उसके बाद में हम फिर बैठ सकते हैं। अब हम पूजन चालू करेंगे और एक एक हम जब दोहा बोलेंगे और फिर उसके बाद में एक एक द्रव्य को चढ़ाएंगे। अनादिकाल से जग में स्वामी न जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना अब निर्मल रत्न त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सीध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ऋषि श्री देशाज गुरु पे विद्यमान विष्णुकर पे अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी पे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा। अब जब हम जल चढ़ाएंगे तो दोनों हाथों से हमको कलश को यूं उठाना है और यदि हमारे पास यदि चम्मच है तो इसमें हम चम्मच से लेकर भी चढ़ा सकते हैं। तो दोनों हाथों से हम यूं कलश को उठा करके अच्छा जल को भी के तीन बार चढ़ाते हैं क्या? हाँ तीन बार भी चढ़ाते हैं एक बार भी चढ़ाते हैं। देखिए हमें पूजन करना है तो हमारे यहाँ भावों की प्रधानता है हमारे घर में, तो जितने भी हमारे श्रद्धा भक्ति जो हमारे भावना है गलत हम किसी को भी नहीं मानते। अगर आप एक बार चढ़ाते हैं तो भी ठीक है, तीन बार चढ़ाएंगे तो भी ठीक है। तो ओम ऋषि देवशास गुरु समूह विद्वान विस्तंकर समूह जन्म जन्म जरा और मृत्यु के विनाश के लिए यानी कि हमको इस जन्म मृत्यु के छुटकारा चाहिए उसके लिए हम भगवान के चरणों में जल को अर्पित कर रहे हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा। इस तरह से हम जल को चढ़ाएंगे। भवा ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है अनजाने अब तक मैंने परम की झूठी ममता है चंदन शम शीतल तापाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सीध प्रभु जी के गुण गाऊं। इसी तरह जिस तरह से हमने जल को उठाया था अब हम चंदन के कलश को उठाएंगे और ये भव आताप से मतलब जो भव भ्रमण में हम घूम रहे हैं संसार भ्रमण कर रहे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए हम चंदन समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह विद्वान विस्तंकर समूह सिरंतन से प्रविष्टि संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामिति स्वाहा। अभी हम जैसे हम तीन लोग मिलकर कर रहे हैं या चार लोग मिलकर कर रहे हैं तो जैसे एक कलश पे हम सभी ने हाथ लगाया है, लेकिन अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो अपना अलग अलग चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से भी ये गलत नहीं है कि हम सभी उसकी अनुमोदना कर रहे हैं या एक साथ हम चढ़ा रहे हैं, है ना। अच्छा भाभी अक्षत अपन चढ़ाएंगे तो उसको किस ढंग से लेना है अपने को अक्षत? अक्षय को जब हम चारों लाइन पढ़ लेंगे उसके बाद में अक्षत को जब हम हाथों से उठाएंगे और दोनों हाथों में यूं लेकर मुट्ठी बंद करके जैसे हम दर्शन कराते हैं तो पांच पुंज इस तरह से चढ़ाते हैं अच्छा, अक्षत को भी अंगूठे अंदर लेके अक्षत इस तरह से हम चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम चार लाइने पढ़ेंगे। अक्षय पद बिन पीरा जगत की लख चौरासी योनि में अष्ट कर्म के नाश करने को अक्षत तुम निकलाया में अक्षय निधि निज की पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सीध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम श्री देव शास्त्र गुरु पे विद्वान शंकर पे अंतर प्रविष्टि पे आप सभी भी अपने हाथों में यूं ले सकते हैं। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतां निरपामिति स्वाहा। अब हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ जो अष्टद्रव्य बनाते हैं तो इसकी जगह हम गेहूं भी तो ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे अनाज है, लेकिन हम चावल ही क्यों लेते हैं?
तो चावल अच्छा। क्यों लिया जाता है आप बता सकते हैं? आपको पता होगा कि चावल हम क्यों लेते हैं? अक्षय वट की प्राप्ति के लिए हम चावल चढ़ाते हैं और चावल का पुनः उसका फिर से उगता नहीं होता है। जब इसका छिलका निकल जाता है, मतलब जो हमारा जन्म मरण का एक बार छिलका निकल गया, तो जो हमारी आत्मा है वो चावल के समान है कि इसको अगर हम बीज, इसको अगर हम बोएंगे तो फिर से उगता नहीं है, इसका अंकुरण नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा को भी परमात्मा बनना है, तो इसी की भावना से हम ये पुनर्जन्म न हो, पुनर्जन्म न हो और हम हमेशा हम सिद्धत्व की प्राप्ति करें, इस हेतु हम ये अक्षय अक्षत चढ़ाते हैं और चावल का ही उपयोग हमारे पूजन में हम करते हैं। अब हम पुष्प चढ़ाने के लिए पुष्प की पहले चार लाइनें पढ़ेंगे। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है, मन मत बाणों से बिंद करके चौगति में दुख उपजाया है, स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ये जो हमने पुष्प यहाँ पर बनाए हैं, ये हमने हमारे जो सफेद अक्षत थे उन्हीं को हमने केसर चंदन से पीला करके ये पुष्प बनाए हैं। किस दिन से चढ़ाया जाता है पुष्प को? चढ़ाने के लिए जैसे हम हमारे जो फूल होते हैं गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, उनको हमेशा हम यूं रखते हैं हाथों में। हाँ। और फूलों का एक आपको ये भी पता होगा कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी विवाह होता है, किसी भी अवसर पर, तो पुष्प का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पुष्प को यह माना जाता है कि वो आकर्षित करता है। पुष्प अपने आप आकर्षित करता है, उससे हमारे काम विकार उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति संसार भ्रमण में फंसता है। तो उन काम भावों को विध्वंस करना है हमें, उनका नाश करना है और हमें मोक्ष पद को प्राप्त करना है। तो उन काम भावों को विध्वंस करने के लिए हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं कि हे भगवान, इन काम भाव के पुष्पों को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, जिससे कि मैं शुद्ध निराकुल आत्मा बनूं और परमात्मा को प्राप्त करूं। तो ओम रीम श्री देवशाद गुरुभ्यो विद्यमान विस्तंकरभ्यो श्री अंतरंग सिद्धपुरुषभ्यो काम बाण विदंशनायम पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। दोनों खुले हाथों से जिस तरह से हम पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे ही हमने इन पुष्पों को चढ़ाया है। अब हम नैवेद्य के लिए पढ़ेंगे। शतरसमीषित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई, सर्वदा भूख के वेतन को श्री देव शास्त्र गुरु को जाऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। इस तरह से अब हम जो ये हमारे सूखे नारियल की चिटक हमने जो बनाई है, अच्छा। इसे हम लेंगे अपने हाथों में लेकर के, और ये नैवेद्य के रूप में से हम भगवान को समर्पित करेंगे, ताकि हमारी जो भूख है, जितनी भी तरह की भूखे हैं, वो सभी का नाश हो और हम परमात्मा पद को प्राप्त करें। ओम रीम श्री देवशाद गुरुभ्यो विद्वान विस्तंकरभ्यो संतान पुष्पभ्यो क्षुधा रोग विनाश को इस तरह से हथेली में इस तरह से लेकर क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। जड़ दीप विनाश्वर को अब तक समझा था मैंने, उजियारा निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा, यह दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। जैसे कि हमने बताया था कि दीप को भी हमने यहाँ पर तैयार किया है, तो इस तरह से हम दीप को यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एक बाती को हमने यहाँ पर लिया है और उसमें शुद्ध घी, जो कि हमारे घर का अगर बना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर गाय का घी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये दीप तैयार किया है। तो ये दीप का महत्व क्या होता है? दीप से हमें क्या होता है कि एक तो जो इसकी जो उजाला प्रदान करता है, अंधकार का विनाश करता है, और जो इसकी लौ है ये ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ऊर्ध्व लोक जा रही है, और हमें भी कहाँ जाना है? सीधे शिखर पर ऊर्ध्व गमन करना है। इसी भावना के साथ को हमने ये दीप को जलाते हैं, और जब हमारे पास ये दीप नहीं हो तो हमने ये क्या किया है कि जो हमारी जो चिटक है उनको हम यहाँ पर ये केसर चंदन से पीला करके इसे दीप रूप में हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। ये दोनों ही ठीक है, या तो हम दीप चढ़ाएं या इस तरह का दीप चढ़ाएं। तो ओम रीम श्री देवशाद गुरुभ्यो विद्वान भिस्तंकरभ्यो श्री अंतान चित्तपुष्पभ्यो महामोहांधकार विनाशनायम दीपम निरुपामिति स्वाहा। क्योंकि हम दीप चढ़ा रहे हैं तो दीप को हम आरती के रूप में चढ़ाते हैं, इसीलिए दीप करके हमने यूं चढ़ा दिया है। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं,
विद्यमान श्री पीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। अब धूप के रूप में जैसे हमने पहले ही बताया था कि ये जो लोंग ली जाती है इसका ऊपर पकड़ा जाता है, इसको हम अनामिका और जो हमारा ये अंगूठा है इसके बीच में हम पकड़ेंगे। अच्छा। और इसके ऊपर का जैसे ये पूरा लोंग होता है तो ये फल के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसकी जब ये निकाल देते हैं तो ये हम धूप के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी जगह पर हम धूप भी ले सकते हैं और जो हमारी चंदन की छिलारी होती है उसे भी धूप के रूप में ले सकते हैं और धूप दान में भी धूप खे सकते हैं और हम इसमें भी चढ़ा सकते हैं। ओम ह्रीम श्री। और जो ये धूप चढ़ाई जाती है इस भावना से कि हमारे जितने भी कर्म हैं उनका नाश हो, जो भी हमारे दुष्ट कर्म हैं, जो हमारे अशुभ कर्म हैं, उनका नाश हो, इस भावना के साथ में हम इस धूप को चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र रूपयो विद्यमान विस्तर करव्यो सिरंतरंसित परमेश्वरो अष्ट कर्म दयनाय धूपम निरपामिते स्वाहा। इस तरह से हमने यहाँ पर धूप का क्षेपण किया है। पिस्ता बादाम श्री फल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया, आटम रस बीने निज गुण फल मम अदाब मुन में ललचाया, अब मोक्ष मा फल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ, विद्यमान श्री पीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊ। जब हमने ये जो अष्टद्रव्य से पूजन किए अब हम इसका क्या फल चाहते हैं, तो इसका फल हम क्या चाहते हैं कि हमें भी शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस हेतु जो उत्तम से उत्तम फल हमने ये लिया है ये श्रीफल लिया है, तो ये हम श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग, तो हमने भी यहाँ पर पिस्ता बादाम किशमिश काजू जो भी हमारे पास उत्तम फल है ये सभी फल हम इसमें चढ़ा सकते हैं। तो ये पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग जितने भी और जो भी हम उत्तम से उत्तम द्रव्य यदि हमारे पास चांदी के द्रव्य हैं तो उसे भी हम इसमें ले सकते हैं। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्वान विस्तंकरभ्यो शनंतान पृष्ठभ्यो महामोक्षल प्राप्तायम फलम निरुपामिते स्वाहा। और इस तरह से जब हमने ये आठों द्रव्य चढ़ा दिए हैं, अब आठों द्रव्यों का जो मिश्रण हमने ये अर्घ तैयार किया है तो इस अर्घ को यहाँ पर अब हम चढ़ाएंगे, क्योंकि हमने जो आठों द्रव्य चढ़ाए हैं इन सभी के मिश्रित हमको फल की प्राप्ति चाहिए और ये आठों द्रव्यों का मिश्रण हमने यहाँ पर करके रखा है। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठो द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री भी सतीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्वान विस्तंकरभ्यो शनंतानंसित परमेश्वरभ्यो अनर्घ पद प्राप्तायम अर्घम निरुपामिते स्वाहा। इसे भी दोनों हाथ खुले करके हम इस तरह से पूरे अर्घ को चढ़ा सकते हैं। इसी में हमारे धूप दीप नैवेद्य फल सभी का मिश्रण करके हमें चढ़ाना है। इस तरह से आठों द्रव्यों से हमने यहाँ पर पूजन की है और इस पूजन का फल हमें यही है कि हमें शीघ्र